विजयंत पहले ही प्रयास में बने अभियोजन पदाधिकारी भागलपुर। बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन पदाधिकारी परीक्षा 2023 में बरारी RHMT लेन के विजयकांत कुमार ने अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल कर ली। सहायक अभियोजन पदाधिकारी में चयनित होकर जिले समेत पूरे बिहार का नाम रोशन किया। बता दें, विजयंत कुमार भागलपुर जिले के मूल निवासी हैं। उनके पिताजी की मौत 2013 में हो चुकी है। इस दौरान पढ़ाई में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन परिवार वाले उसे हौसला देते रहे। आखिरकार उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। पिता की मृत्यु के बाद विजयंत पूरी तरह से टूट चुका, लेकिन माँ और भाई का सपोर्ट बेहतर रहा और उन्होंने मंजिल हासिल की। परिवार में सबसे उच्च पोस्ट की नौकरी विजयंत कुमार ने ही प्राप्त की है, जिससे परिवार वालों में काफी खुशी है। वहीं परिवार वालों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर करते वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान विजयंत कुमार के माँ भावुक हो उठी और उन्होंने विजयंत के लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताया। वहीं विजयंत की माँ पूरी तरह से भावुक हो गई और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि देर रात तक खूब पढ़ाई करता था। इसके इस सफलता से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि समाज के लोग भी खुश हैं। वहीं विजयंत ने बताया कि लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान सीनियर ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी के बारे में बताया और कहा कि समाज से जुड़ने के लिए ये पद भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। तभी से बीपीएससी की तैयारी में जुट गए। देर रात तक पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करता था। परिवार का भी खूब सपोर्ट रहा। दिन में समय नहीं मिलने के कारण अधिकतर पढ़ाई रात में ही करता था। उन्होंने बताया कि रात में करीब 4 घंटे तक वो पढ़ाई करते थे। आगे बताया कि प्रारंभिक विद्यालय के बाद उन्होंने TMBU से स्नातक किया और LLB तक पढ़ाई TNB लॉ कॉलेज से की। वर्तमान में इसी कॉलेज से LLM का पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान कठिनाइयां कई सामने आई, लेकिन परिवार वालों ने कहा मेहनत करते रहिए, सफलता हाथ जरूर लगेगी। वहीं अन्य युवाओं से भी उन्होंने अनुरोध किया कि किसी भी कार्य को पूरे लगन से करें, किसी भी कार्य को पूरे मन से करने के बाद सफलता जरूर हाथ लगती है। जब लॉ कॉलेज में मैं पढ़ रहा था तो उस समय मुझे बताया गया, या जो हमारे सीनियर लोग थे वो बताए कि अभियोजन पदाधिकारी कर भी एक पद होता है जिसमें कि बहुत ही अच्छा मौका मिलता है समाज से जुड़ने का और समाज के लिए कुछ करने का। तब से मैंने BPSC के लिए तैयारी करना शुरू किया, जुडिशियल सर्विसेज के लिए तैयारी करना शुरू किया और लगातार तैयारी करता रहा। आखिरकार सबों के आशीर्वाद से हमारा सपना साकार हुआ। कितना घंटा तैयारी करते थे? कोई मतलब फिक्स पैटर्न नहीं था, चूँकि दिन में काम वगैरह में या इधर उधर इंगेजमेंट होता था तो ज़्यादातर मैं रात को ही समय देता था। रात को डेली का 4-4.5 घंटा मेरा कंपलसरी था कि मैं पढ़ता था, और कंटिन्यूस स्टडी करने से ही जो है मुझे ये मुकाम प्राप्त हुई है। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त? प्रारंभिक शिक्षा मेरी हाई स्कूल बरारी से हुई। हाई स्कूल बरारी से मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद फिर TNB लॉ कॉलेज भागलपुर से मैंने LLB करा। उसके बाद परिवार का कितना साथ मिलता था पढ़ाई? परिवार का पूरा साथ मिलता था, बहुत सारी असफलताएँ भी हाथ लगी। उस समय में परिवार ने बहुत ही सहयोग किया और बहुत ही मोटिवेट किया कि कभी भी हार नहीं मानना है और हमेशा जो मेहनत करते हैं उसे सफलता मिलती है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी कर रहे हैं पूरे मन से करें, और निश्चित है कि अगर पूरे मन से आप किसी काम को करते हैं तो किसी न किसी दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। परिचय बताएं। मेरा नाम विजयंत कुमार। कैसा लग रहा? बहुत खुशी हुआ। पहला ऐसा लड़का निकला जो इस खानदान में जो कि सबसे हायर पोस्ट पे गया है, और गजिस्टर्ड ऑफिसर जिसको बोला जाता है, लोग सोचता है कि क्लास 1 ऑफिसर हम बने। पहला ये खुशखबरी देने वाला इस खानदान में लड़का हुआ। कितना बदमाश शरारती कितना था? शरारती जो होना चाहिए बचपन में वैसा कुछ विशेष शरारती नहीं था। ही नहीं। पढ़ाई में कैसा था आपकी? पढ़ाई में ठीक रहा है, सब दिन ठीक रहा है। हाँ, क्या कहेंगे छोटे भाई को? अरे अब सफलता मिल गया है, बस आगे ईमानदारी से अपना जो है मेहनत से लगन से काम करते रहिए और ऊंचा बढ़िए। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमार। बहुत खुशी, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। कैसा तैयारी कैसा करता था? तैयारी तो ही रात में बहुत तैयारी करता था, पढ़ाई रात में ही करता था। अब एक अफसर बन गए हैं, परिवार का, पूरे परिवार का, समाज का इतना खुशी है कि कहा नहीं जा सकता। क्या नाम हुआ? मेरा अनीता झा।
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।